गायत्री शक्तिपीठ पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संस्था द्वारा 21 जून योग दिवस के रूप में सामूहिक योग अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन प्रसाद शर्मा गायत्री शक्तिपीठ प्रमुख ट्रस्टी द्वारा की गई और विधायक पन्नालाल शाह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित रहे। योग समिति पतंजलि धाम भोपाल के SS तिवारी की मौजूदगी में सभी ने सामूहिक योग अभ्यास किया। 21 मई से चल रहे निःशुल्क योग शिविर में आचार्य द्वारा निःशुल्क योग सिखाया गया। अधिक से अधिक थोड़ा देर सामान्य श्वास प्रश्वास रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को खोलते हुए ये पुनः दंडासन में आगे का क्रम है, क्योंकि हम लोग सुबह से सारी क्रियाएं कर चुके हैं, इसके लिए अब प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में पद्मासन, सिद्धासन, वही आसन। सर पद्मासन लगा लिया, मन हमारा वही जा रहा है बार बार, तो दिक्कत परेशानी, इससे मन एकाग्र नहीं हो पाता है। और क्योंकि योग का जो मूल उद्देश्य है वो है मन को एकाग्र। यह शिविर 21 मई से प्रारंभ हुआ था, जिसमें 200 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। गायत्री शक्तिपीठ गुना, राधोगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज में यह शिविर लगाया गया। पतंजलि धाम भोपाल के माध्यम से आयुष मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और सभी से कहा गया है कि 21 जून को सामूहिक रूप से योग दिवस में सम्मिलित होकर योग अभ्यास को सफल बनाएं। आज गायत्री शक्तिपीठ गुना पर जो 21 मई से 21 जून तक ये एक महीने का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है योगा, उसका आज पतंजलि धाम भोपाल के माध्यम से और आयुष मंत्रालय के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें पहले सभी को जो योगाचार्य हैं उन्होंने योगा आसन कराकर सभी को प्रशिक्षण के बारे में बताया ही, साथ ही उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। साथ ही यहाँ पर हमारे माननीय गुना विधायक पन्नालाल शाह जी के उपस्थिति में आज उनको सम्मानित किया गया और आने वाले समय 21 जून को मध्य प्रदेश पूरे स्तर पर पूरे भारत में जो योगा का दिवस मनाया जा रहा है उसमें सभी भागीदारी करेंगे, ऐसी सभी से अपील की है। सभी को स्वस्थ रहने के लिए निःशुल्क लौकी के जूस की व्यवस्था भी संगठन के माध्यम से की गई थी।